फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। नए दिन की शुरुआत हो गई है और फ्रेंड्स यहाँ आज मौसम की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा है, बहुत कोहरा लग रखा है। तो यहाँ पर मेरा डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, नहाना, कपड़े धोना सारा काम हो गया है, अब सिर्फ पूजा करना रह रखा है। तो नेगी जी पूजा कर रहे हैं, बस जैसे ही वो पूजा से फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद मैं पूजा कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ और साथ ही मैंने सब्जी तो पहले ही बना ली थी, आटा लगा के रखा था, तो नेगी जी के लिए रोटी भी बना लूँगी और साथ में टिफ़िन भी लगा लूँगी और वो रोटी खा भी लेंगे गरम गरम। तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, कभी कभी मैं बाद में बनाती हूँ रोटी और कभी कभी मैं पहले भी बना देती हूँ, क्योंकि कभी कभी नेगी जी को बहुत जल्दी होती है तो फिर उनके टाइम के हिसाब से मुझे खाना बनाना होता है। और आज शायद ये सैटरडे का व्लॉग है तो रेसी की तो छुट्टी है, लेकिन नेगी जी को ऑफिस जाना है। तो इस तरह से ना सुबह के टाइम पे एक हाउस वाइफ जो रहती है ना, उसी को पता है कि कितनी भागदौड़ होती है। पहले बच्चों के लिए भागदौड़ होती है, फिर हस्बैंड अगर साथ में है, ड्यूटी वाले हैं तो उनके लिए भागदौड़ होती है, फिर जाके सारा काम से फ्री होने के बाद अपना नंबर आता है हमारा, तो बस ऐसे ही भागदौड़ लगी रहती है पूरे दिन। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, आप बने रहे ब्लॉग में। फ्रेंड्स यहाँ पे ना नेगी जी पूजा करके आ गए थे तो मैंने सोचा कि चलिए नेगी जी को गरम गरम रोटी भी दे देती हूँ और उनका मैंने टिफ़िन लगा के भी रेडी कर लिया है। और यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में जो थोड़ा बहुत आटा गिर जाता है, गंदा हो जाता है, मैं उसको भी साफ़ कर लूँगी और उसके बाद ना नेगी जी अपने लिए पानी गर्म कर लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक केटल जो है हमारा बन के आ गया है, नहीं तो गैस में गर्म करना पड़ रहा था एक दो दिन से पानी गर्म। एक हमारा इलेक्ट्रिक केटल और है जो वो भी ख़राब हो गया है और फिर ये भी ख़राब हो गया था, तो इसको हम बनवा के लेके आ गए हैं नेगी जी। और फिर उसके बाद मैं पूजा करने चली गई थी और नेगी जी नाश्ता कर रहे थे साथ में ही बैठ के। और अब आ गई हूँ मैं बाहर नेगी जी को बाय करने के लिए, यानी कि वो जा रहे हैं ऑफिस। और कोहरा आप देखिए कितना ज़्यादा हो रखा है, देखिए 8:30-9 का टाइम हो रहा है अभी और कोहरा देखिए कितना ज़्यादा हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि दिसंबर का टाइम चल रहा है, ये दिसंबर में इतना कोहरा रहता है और इस बार तो अभी इतना कोहरा है तो पता नहीं दिसंबर में क्या ही हाल हो जाएंगे। तो इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है सच में। और
बस यहाँ पे मैं पहले नेगी जी को बाय कर लूँगी, उसके बाद अंदर जो कपड़े डाल हैं वो मैंने अभी तक सुखाए नहीं है, सुखाए क्या नहीं है, धुले ही नहीं है मेरे कपड़े शायद आज तो। मैंने गलती से आपको बोल दिया था शायद धुल गए, लेकिन धुले नहीं है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा कपड़े हैं और मशीन में मैंने डाल रखे हैं और लाइट नहीं है, मतलब लाइट थोड़ी देर आ रही है और फिर चली जा रही है, तो सुबह से लाइट है ही नहीं, मतलब ना के ही सामान समझ सकते हो आप, ना तो नहाने के लिए पानी गर्म हुआ ना मशीन लगी, और मशीन में आज मैंने ना सारी चादर वगैरह डाल रखी है ताकि मैं अब वुलन चादरें निकाल दूँ इस वजह से। तो बस यहाँ पे नेगी जी को फटक से बाय करूँगी और उसके बाद फिर से अंदर जाके अपने काम में लग जाऊंगी। और बस हमारा जो हाउसवाइफ का रहता है ना टाइम कैसे गुजरता है हमें भी नहीं पता, और कुछ लोग बोलते हैं कि तुम करते क्या हो यार पूरे दिन घर में, बोर नहीं होते क्या? कैसे बोर होंगे, कामों से फ्री होंगे तब ना। और आजकल तो मुझे इतनी नींद आ रही है, मन कर रहा है कि सो जाऊं लेकिन सोने का भी टाइम नहीं मिलता है, और कोहरा देखिए आप, मतलब मौसम देख के तो ऐसे ही मन कर रहा है कि रजाई में ही घुसे रहे, बाहर ही ना आए। तो क्या आप लोगों के इधर भी इतना ही ठंडा हो गया है जितना हमारे इधर हो रखा है, या आप लोगों के इधर अभी भी गर्मी है? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल, प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज यहाँ बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोहरा हो रखा है, और पता नहीं इस बार दिसंबर जनवरी में क्या हाल होगा, क्योंकि अभी ये हाल है, बहुत ज़्यादा ठंडा। इस बार ना हल्के फुल्के कपड़े नहीं निकले, सीधा ही निकल गई स्वेटर वगैरह, और सीधा ही निकल गई रजाई, ब्लैंकेट नहीं निकले, सीधा ही रजाई निकल गई। तो पता नहीं कितनी ठंडी होगी इस बार, और उत्तराखंड में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो देखते हैं कि क्या होता है इस बार। तो नाश्ता नहीं किया मैंने अभी, और आज है सैटरडे तो रेसी की छुट्टी है, रेसी सो रखा है, नेगी जी चले गए हैं और मैंने सारा काम कर दिया, बस मशीन में कपड़े लगा रखे। ठंडियों में यहाँ क्या होता है ना कि लाइट भी चली जाती है, क्योंकि पता रहता है सुबह सुबह सब गीजर चलाएंगे तो 8-9 बजे तक लाइट नहीं आती। आज पूरी रात भर लाइट नहीं थी, लेकिन आ गई थी सुबह 8:30 बजे करीब, 8 बजे करीब आ गई होगी, 8 बजे करीब आ गई थी। तो मैंने मशीन में पानी तो रख रखा है, लेकिन मैंने मुझे डालनी है चादर वगैरह धोने के लिए, तो रेसी उठेगा तब डालूंगी। और आज मुझे ना और भी रजाई वगैरह निकालनी है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, कपड़े भी बहुत हैं, आधे आज धोऊंगी आधा कल धोऊंगी, आज धूप तो नहीं आ रही है, तो देखूंगी मौसम कैसा कैसा होता है तब करूंगी। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अब थोड़ी सी देर में। तो फ्रेंड्स उसके बाद आ गई हूँ मैं सीधा अपने रूम में, और यहाँ की भी मुझे चादर निकालनी है, एक तो मैं चादर निकाल चुकी थी तो मैंने सोचा ये वाली चादर भी मैं निकाल लेती हूँ, और जो ये लेने वाला जो ब्लैंकेट था ना वो मैंने पहले ही धो दिया था, और आजकल हम ये वुलन चादर नहीं होती जो ब्लैंकेट टाइप ही, उसी को ओढ़ रहे थे, मतलब हल्की सी ठंडी हो रही थी और हल्का सा पंखा भी चल रहा था अभी पिछले वीक तक, तो अब मैं इसको भी धो के रख दूंगी। और फ्रेंड्स कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो गए थे आज धोने के लिए, बहुत ही ज़्यादा, और आज ही लाइट भी ऐसा कर रही थी ना कि पूछिए मत, लाइट इधर उधर ऐसे परेशान कर दिया ना लाइट ने, कि मतलब 2 बजे जाके लाइट आई, और वो भी मतलब ऐसे आ रही थी कि थोड़ा आ रही थी फिर जा रही थी, थोड़ा आ रही थी फिर जा रही थी। तो मशीन में जो मैंने कपड़े डाल रखे थे ना वो बुरी तरह से फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से मैंने निकाले हैं, और आज मैं बड़ी मुश्किल से काम से फ्री हुई हूँ। तो चलिए बेड शीट तो मैंने बिछा दी, बेड शीट बिछाने की भी बड़ी टेंशन हुई रहती है, अगर एक बार छोड़ दो ना तो फिर इसका ध्यान ही नहीं आता कि बेड शीट भी बिछानी है, मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स ये है दोपहर का टाइम, और दोपहर में ना रेशी ने बोला कि मम्मी आज मुझे ना पास्ता खाना है या मैक्रोनी बना दीजिए,
तो मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी बची थी उसी में मैंने पास्ता भी मिक्स करके और ये ड्राई वाला मैक्रोनी बनाया है। इस तरह की मुझे ना बहुत अच्छी लगती है, पास्ता भी मुझे इसी तरह का अच्छा लगता है। व्हाइट सॉस वाला पास्ता जो है ना हमारे घर में बहुत कम लोगों को पसंद आता है। 2 से 3 बार मैंने बनाया है लेकिन किसी ने भी मन से नहीं खाया है, तो फिर मैं इसी तरह से ड्राई पास्ता बनाती हूँ जिसमें ना मैं वेजिटेबल भी नहीं डालती हूँ क्योंकि रेसी को बिल्कुल वेजिटेबल पसंद नहीं है। आज तो मैंने टमाटर और प्याज डाला है, अदरवाइज उसे टमाटर भी नहीं पसंद। प्याज तो थोड़ा बहुत खा भी लेता है और प्याज अगर बीन भी देता है तो वो मेरी प्लेट में डाल देता है, बट आज मैंने टमाटर भी डाले और सच बताओ ना मुझे भी अच्छा नहीं लगता टमाटर, पता नहीं क्यों पास्ते में। तो मेरे को ड्राई पास्ता अच्छा लगता है। वैसे पास्ता मुझे हमारे घर में कम खाया जाता है, कभी कभी खाया जाता है, डिमांड होती है जब रेसी की। तो यहाँ पे मैंने ना टमाटर और प्याज ही डाला है, बाकी बेसिक मसाले जो होते हैं वही डाले हैं। और ये टमाटर मैंने ना मोटे मोटे इसलिए कट कर रखे थे कि मोटे टमाटर कट करो ना और उसमें नमक डाल दो ऊपर से तो जल्दी गल जाता है, और मैं सोच रही थी अच्छे से गल जाएगा तो फिर रेसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन पास्ता में मैक्रोनी में तो टमाटर दिखाई ही देता है और मुझे भी बहुत गंदा लगता है टमाटर, पता नहीं क्यों, बट चलिए कोई बात नहीं। तो आज हमारा लंच में यही होगा, इसके साथ मैं चाय बनाऊंगी अपने लिए और रेसी के लिए बनाऊंगी मैं दूध। तो सिंपल सोवर है, अच्छा है, हल्का फुल्का, क्योंकि अगर मॉर्निंग में हैवी ले लो ना तो फिर लंच में थोड़ा सा हल्का भी चल जाता है और डिनर में तो सब साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। ऊपर से मैं सॉस डाल रही हूँ, मुझे सॉस नहीं पसंद है तो मैं थोड़ा सा ही डालूंगी अभी और रेसी की प्लेट में अलग से डाल दूंगी, ऊपर से अपनी प्लेट में नहीं डालूंगी। फ्रेंड्स ये बन गई हमारी लंच में बना रखी है मैंने आज मैक्रोनी क्योंकि ऋषि ने बोला, और ऋषि का बन गया दूध। अपने लिए मैं बना रही हूँ चाय। तो हमारा ऐसे मैक्रोनी पास्ता पोहा कुछ भी बन जाता है लंच में, या कभी पराठा कभी दाल चावल। फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रही है और मेरे कपड़े सुबह से मशीन में अटके हुए हैं। यहाँ क्या होता है ना ठंडियों में कि बार बार लाइट चली जाती है, सुबह के टाइम तो अक्सर लाइट चली ही जाती है, इसलिए क्योंकि सबके गीजर ऑन होते हैं ना तो चला होते हैं, सुबह ही लाइट भगा देते हैं। तो ये देखिए सुबह से नहाया तक नहीं रेसी, और मेरे मेरे जो कपड़े मशीन में फंस रखे थे ना बस वो कपड़े मैं निकाल रही हूँ, उसके बाद गीजर ऑन करूंगी रेसी नहा लेगा, और कपड़े तो मेरे ऑलमोस्ट धुल ही गए हैं। अब जा रही हूँ मैं छत में कपड़े डालने के लिए। फ्रेंड्स फाइनली मैं सारे कपड़े धुल गए हैं और ऊपर लेके जा रही हूँ, बाहर थोड़ी सी धूप आ रखी है, कल फिर आए ना आए 12 बजे के बाद तो धूप आई है, फटाफट इनको फैला लेती हूँ, धूप अच्छी सी आ रखी है, कल आए ना आए। नेगी जी के ऑफिस वाले कपड़े नहीं धोए, बड़ी दिक्कत होती है ठंडियों में बाबा, लाइट की भी और धूप की भी। चलिए फैला लेती हूँ।
फ्रेंड्स 2:40 हो गए हैं, अब जाके हुई हूँ मैं काम से फ्री। तो चलिए कपड़े धुल गए हैं, अब कल की कल देखेंगे, आज के तो जो थे वो धुल गए हैं। अब आराम से बैठ के थोड़ा कुछ और काम करती हूँ, कुछ और क्या, इस टाइम गुड़िया की लाइव रहती है, थोड़ा वहाँ देख लेती हूँ। चलो मिलती हूँ बाद में। मुझे आ रही है नींद और मैंने ना दाल बना ली है, चने की दाल बनाई है और उसमें लौकी डाल के जो बनाते हैं। और आज यहाँ की लाइट ना बड़ा अजीब सी हो रखी है, फेस भी बड़ा अजीब सा आ रहा है। और निकी जी जस्ट अभी अभी आए और लेके आए हैं वो पैटीज, तो पहले वो खाएंगे फिर बनाऊंगी मैं रोटी सबके लिए। सब्जी तो बना ली, रोटी बनानी रह गई बस, अब तो थोड़ी देर में बनाऊंगी। लाइट यहाँ की बंद कर दूँ। तो फ्रेंड्स ये टाइम है रात का, लाइव करने के बाद का टाइम। निकी जी ऑफिस से आ चुके हैं और गर्मा गर्म पैटीज लेके आए हैं तीनों के लिए एक एक। ये वाली पैटीज हमारे घर में काफ़ी पसंद की जाती है, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से ना इसमें चीज़ रहता है और पनीर के क्यूब्स भी रहते हैं और सारे वेजिटेबल रहते हैं जो खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। आलू की स्टफिंग वाली पैटीज नहीं है ये, तो ये हम लोगों को बहुत पसंद आती है। तो फ्रेंड्स नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, लाइव कर रही थी ना मैं, जब भी आ रही थी मेरे को नींद और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और आजकल पता नहीं नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स इस व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी लोगों को बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।